हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, पीपीटी। तो देखिए, कॉगुलेशन का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of colloidal particles, colloidal particles के settle down होने से PPT बनती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? coagulation। ठीक है, देखिए अब coagulation कैसे हो रहा है, precipitation कैसे हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि जो colloidal particles होते हैं, colloidal particles के ऊपर charge होता है। ठीक है, क्या होता है? चार्ज होता है। मैंने बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स बना दिए, इनके ऊपर चार्ज होता है। क्या हो अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं? अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को, तो ये क्या करेंगे? आपस में इकट्ठे होकर ग्रेविटेशन के कारण नीचे बैठ जाएंगे और क्या बना लेंगे? पीपीटी। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर बहुत सारे मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन में कॉगुलेशन करवाने के या फिर प्रेसिपिटेशन बनाने के, बहुत सारे मेथड है। वन बाय वन हम उन सबको पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो कॉगुलेशन होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, वो दो टाइप के कोलाइड्स का होता है। एक तो होते हैं लायोफोबिक, एक होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक यानी जो कि उनका जो मीडियम होता है डिस्पर्जन मीडियम, उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं, जबकि जो लायोफोबिक है वो अपने जो मीडियम होते हैं उससे दूर भागते हैं। अब जो लायोफोबिक होते हैं ना, उनसे पीपीटी बनाना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या डाला? इलेक्ट्रोड डालते क्या होगा? जो ये तो तैयार है दूर भागने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? जो अपने जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, वो इलेक्ट्रोड की तरफ जो है भागेंगे। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा? लायोफोबिक कोलाइड्स कैसे बनेंगे? जो जब ये भागेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो क्या होगा? बेसिकली जो कोलाइड वहां पर जमा हो चुके हैं उनको हम डिस्चार्ज करके वापस से और पीपीटी बना सकते हैं। तो लायोफोबिक तो इजी है, इनको तो बस थोड़ा सा चाहिए चांस और ये पीपीटी बना लेते हैं। लेकिन जो लायोफिलिक है, इनमें क्या होता है? ये कोलाइडल पार्टिकल्स के मतलब बेसिकली ये नहीं बना पाते, बहुत मुश्किल से बना पाते हैं। और इनको जो है करने के कुछ तरीके हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को कोगुलेशन में कन्वर्ट करने के या प्रेसिपिटेशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बॉइलिंग के थ्रू। जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बॉइल करेंगे या कोलाइडल सोल को हम जब बॉइल करेंगे, तो बॉइल करने से क्या होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, और वो किससे जाकर टकराएंगे? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से। ऐसे में क्या होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज की एक लेयर है, ठीक है, चार्ज का जो एडसॉर्प्शन है, वो बार बार डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से टकराने के कारण रिड्यूस हो जाएगा चार्ज, किसके ऊपर से? कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर से, और फाइनली वो जो है सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी कारण बॉइलिंग से जो है पीपीटी बन जाएगी जब वो सेटल डाउन होंगे। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देखिए रिटर्न में, व्हेन अ सॉल्ट इज बॉइल्ड, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बॉइल्ड होता है तो रिडक्शन होता है चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उनमें रिडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलाइजन होता है। वहां पर कोलाइजन किसके किसके बीच में हो रहा है? कोलाइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और फाइनली कोलाइडल पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं पीपीटी, और यही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको बॉइलिंग का पूरा समझ में आया होगा, है ना? तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस, बेसिकली लियोफोबिक के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, लियोफोबिक के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड वन,
तो देखिए सेकंड और थर्ड जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोगुलेशन हो सकता है वो मैं आपको साथ में समझाऊंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोपोरेसिस है मैं आपको बता चुकी थी इलेक्ट्रोपोरेसिस में कैसे कोगुलेशन हो सकता है, कि जैसे ही हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर एनोड में या कैथोड में, क्योंकि डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ऐसे में जब अगर ये किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में इकट्ठे हो जाएंगे सारे कोलाइडल पार्टिकल्स, तो वहां इकट्ठे होने के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्ज उनके अंदर से हटा सकते हैं, और चार्ज हटने के बाद तो वो आराम से जो है पीपीटी उनकी बन जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूं इसी लेक्चर में। अब थर्ड है हमारा बाय एडिंग सॉल्व। अगर हम चाहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पीपीटी बन जाए तो हमें क्या करना है, हमें दो सॉल्व लेने हैं। अगर हमारा एक सॉल्व पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो दूसरा सोल नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल करते टाइम कि AS2S3 को याद रखना, वहां पर AS2S3 सोल जो था वो कैसा था, वो सोल था हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव सोल की हेल्प ली है, और ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। और इसके होने के बाद इनकी क्या बन जाएगी, म्यूचुअल पीपीटी। म्यूचुअल मतलब साथ में इनकी क्या बन जाएगी, पीपीटी, और हमें तो कोगुलेशन चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो बाय एडिंग सॉल्व वी कैन ऑल्सो डू दिस प्रोसेस लाइक कोगुलेशन। और नेक्स्ट मेथड मैं आपको बता देती हूं, देखिए जो नेक्स्ट मेथड है कोगुलेशन का वो है बाय एडिंग सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट ऐड कर दो, देखिए बाय एडिंग सॉल्वेंट हम जो है जितने भी हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ये मेथड, ताकि क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए। तो क्या होता है इसके अंदर, मान लीजिए एक हमारा कोलाइडल सोल है, ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और ये कोलाइडल पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, वाटर है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके बिल्कुल चिपके हुए हैं। क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि ये किस क्या कंडीशन लिया हमने, लियोफिलिक कोलाइड्स की, जो कि वाटर को, वाटर लविंग होते हैं जो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इस टाइप के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज हटाकर उनको नीचे बिठाना, सेटल डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे इस टाइप की, क्योंकि इन्होंने क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ने उसकी लेयर को प्रोटेक्ट कर रखा है, चार्ज वाली लेयर को प्रोटेक्ट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, या तो हम इसमें डालेंगे सॉल्वेंट एल्कोहल, या हम डालेंगे क्या अपना एसीटोन। इन दोनों के डालने से ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे अपनी तरफ, क्योंकि ये कैसे होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कैसे, ये अल्कोहल और एसीटोन क्या होते हैं, वाटर लविंग, क्या होते हैं, वाटर लविंग, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अल्कोहल को सपोज करी डाल दिया, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब जो चार्ज है बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में जो चार्ज रह गया वो फ्री है, अब उसको हम क्या है, हटा सकते हैं। और वो कैसे हटेगा, कि अब इनके जो एक कहते हैं ना लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर थी वाटर की, वो हट चुकी है, तो अब इजीली जो है चार्ज इसका हट जाएगा और ये जो है सेटल डाउन होके पीपीटी बना देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया बाय एडिंग सॉल्वेंट। अब हमारा नेक्स्ट है तरीका हमारे लियोफोबिक जो कोलाइडल होता है उसके लिए है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सपोज करिए कोई कोलाइडल पार्टिकल है यहां पे, वो चार्ज है पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, कि इनका चार्ज हटाना है, इसे नीचे बिठाना है, और ये क्या बन जाएगा, पीपीटी। अब क्या करें, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज करिए अगर पॉजिटिव लेयर है तो मैंने क्या डाला, KI डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड में
आई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आई नेगेटिव आ जाएगा और इस पॉजिटिव के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो कोलाइडल पार्टिकल का पॉजिटिव का चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और इसके ऊपर से सारा चार्ज हट जाएगा। और चार्ज हटने के बाद में ये ग्रेविटेशन के कारण क्या करेंगे, सेटल डाउन होने के बाद में क्या बना देंगे, पीपीटी। बाय बात समझ में आई, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर जो है एक और रूल काम करता है, देखिए सपोज करिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने तीन पार्टिकल्स ले लिए यहां पर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो आप इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगी। मान लीजिए मैंने यहां पर ये नेगेटिव है, सपोज नेगेटिव मान लेती हूँ, नेगेटिव मान, तो मुझे बताइए आप कौन सा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे। पार्टिकल्स हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तीन कोलाइडल पार्टिकल्स है, सपोज करिए तीन हमारे नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। अब जो हार्डी शुल्जे का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या रूल है ये, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जिसका जितना चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट मैं ऐड करूंगी जो Al प्लस थ्री, Mg प्लस टू, Na पॉजिटिव, हमें तो ये वाले चार्ज चाहिए, इनमें से कौन सा चार्ज आप लोगे, कौन सी जो है आप इसकी हेल्प लोगे, कौन सी स्पीसीज की हेल्प लोगे ताकि जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाए, सोडियम प्लस की लोगे या मैग्नीशियम प्लस टू की या फिर एल्यूमिनियम प्लस थ्री की, लेना तो आपको पता है प्लस में ही लेना है अपन क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर तीन पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स तीन हैं और वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो हम यहां पर लेंगे Al प्लस थ्री को, आप डालोगे किसको डालोगे, Al प्लस थ्री को, क्योंकि Al प्लस थ्री को डालते ही जो इसके तीन जो अपने आयन है पॉजिटिव के वो सारे इसको जो है न्यूट्रलाइज कर देंगे और सेटल डाउन करके क्या बना देंगे, पीपीटी। आप Mg प्लस टू नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से जो हार्डी सूर्जे का रूल है वो ये कहता है कि जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी बेसिकली Al प्लस थ्री, Mg प्लस टू एंड Na प्लस, मतलब जितनी ज्यादा आयन्स, जितनी ज्यादा चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, सॉरी जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी आपके एलिमेंट में, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही इजीली जो है कोगुलेशन हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना इजी कोगुलेशन। तो देखिए यहां पर तीन सपोज करें कोलाइडल पार्टिकल्स थे या चार भी होते तो हमारा Al प्लस थ्री जो है ना उन तीन को तो कम से कम करता ना, मतलब सेटल डाउन करने में हेल्प करता, जबकि Mg प्लस टू तो क्या करता, सिर्फ दो को ही हेल्प करता, ठीक है। तो इस तरीके से जो जितना ज्यादा चार्ज होगा है ना उतना ही जल्दी जो है कोगुलेशन की प्रोसेस होगी, यही बोलता है हार्डी सूर्जे का रूल। तो ये सारी थी प्रोसेस हमारी कोगुलेशन की। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो ये रूल फॉलो करता है, ये कौन फॉलो करता है, लियोफोबिक, लियोफोबिक में जो है हम इजीली इसको यूज करके पीपीटी बना सकते हैं। तो ये सारे रूल थे हमारे कोगुलेशन के, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।